10.2 एक्सरसाइज है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे 8 से स्टार्ट हो गए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 से लेके आपके पास 13 तक जो आपके पास जा रहे हैं क्वेश्चन 14 तक वाले, इन 6 सवालों में से आपके पास 99% चांसेस होता है एक सवाल पेपर में, तो इसको आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है और कोशिश करना जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उन सब की लेक्चर वीडियो आपको अवेलेबल हो ताकि आप उसे देख सकें, अगर आप पेपर से पहले थोड़ा भूल भी जाए तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड पीछे एग्जांपल्स लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपने प्रूव करके देना लेफ्ट हैंड साइड से राइट या राइट से लेफ्ट, तो मैं प्रूव करूंगा राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ प्रूव करना ज्यादा आसान है, इसीलिए मैं आपके पास राइट हैंड साइड आपके पास पहले लेता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1037 डिग्री। बेटा 1037 मैं यूं लिख सकता हूं 45 में से कितने माइनस करेंगे 37 बच जाए सर 8 8, तो 45 माइनस 8 डिग्री यूं लिख सकते हैं, डिग्री की साइन यहां डालो तब भी ठीक है, यहां 45 डिग्री यहां डालो तब भी ठीक है। फार्मूला जो हमें फॉलो करना है, फार्मूला हमें अप्लाई करना है tan अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल होता है tan अल्फा हां माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan गुड, ये आपके पास क्या होता है, आपके पास tan अल्फा माइनस आपके पास tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा, दैट इज द फार्मूला, इसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। बेटा ये हमारे पास इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, हम इसको राइट हैंड साइड की शेप में लिखना है, उसमें कैसे लिखूंगा राइट हैंड साइड की शेप में, अब मुझे ये बताओ ये फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे इस फार्मूले को इस शेप में लिखना है, यानी अल्फा जहां जहां हो उसे किससे रिप्लेस करूंगा 45, बीटा को किससे रिप्लेस करूंगा 8, बताइए क्या आ जाएगा आंसर 45 डिग्री, ओके माइनस ठीक है ओवर 1 प्लस tan 45 ठीक है sorry tan आपके पास 45 डिग्री एंड tan 8 एनी क्वेश्चन क्लियर क्लियर सर वो माइनस नहीं लेंगे सर कहां पे माइनस 45 माइनस 8 तो माइनस नहीं 45 माइनस 8 है बट यहां तो माइनस था ना देखो ये अल्फा है और ये बीटा है दोनों के दरमियान यहां माइनस साइन है यहां तो माइनस है ना तो फार्मूला ही फुल फिल कर रहा है अगर माइनस 8 लिखेंगे तो किधर प्लस की साइन लगानी पड़ेगी तो प्लस का फार्मूला अलग होता है तो tan अल्फा प्लस बीटा है tan 45 डिग्री की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होती है tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1 अब जहां जहां tan 45 है वहां क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस आपके पास tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस आपके पास tan 8 डिग्री क्योंकि इसकी जगह 1 पुट किया वो 1 को मल्टीप्लाई के tan 8 के साथ तो 1 * tan 8 आपके पास tan 8 आ गया। आप 9 चैप्टर के जरिए फार्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू किस से इक्वल होता है बेटा sin थीटा ओवर cos थीटा, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम पुट करेंगे 1 माइनस sin 8 ओवर cos 8 एंड 1 प्लस sin 8 ओवर cos 8, एलसीएम लेंगे हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, तो बेटा इस पूरा इसके साथ आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है, जब पूरे नीचे आएगा तो वो आ जाएगा cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री और डिनोमिनेटर में आ गया cos 8। अब जो फ्रैक्शन के नीचे का लोअर पोर्शन है इसके लिए हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या बन जाएगा बेटा cos 8 डिग्री, जब इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos 8 एंड प्लस sin 8। अब ये फ्रैक्शन है, जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन के साथ क्या हो जाएगा cos 8 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा मैं यहां डायरेक्टली लिख दूं
cos 8 minus sin 8, ये पूरा स्टेप भी कर देता हूँ, cos 8 minus sin 8 over आपके पास cos 8 degree, degree ही sin use कर लेते हैं, multiplication जब ये fraction जाएगी ये प्रोजेक्टर हो जाएगा, इसका reciprocal जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 8 degree over cos 8 plus sin 8, कैंसिल हो रहा है, cos 8 और cos 8 कैंसिल, क्या बच जाएगा, cos 8 degree minus sin 8 degree over cos 8 और plus sin 8 degree, left hand side हमारे पास पूरी आ भी नहीं आई,